डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है संडे, संडे का डे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिकली होता क्या है, मैं पूरे वीक में आपको जितने भी करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो साथ ही में उन्हीं करंट अफेयर का रिवाइज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करने लगोगे तो आप बहुत जल्द वो चीज़ें भूलने लगोगे। तो मैंने आपको इस वीक में जितने भी करंट अफेयर पढ़ा है वहाँ से मैंने टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आए हो, तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपके 1% भी हेल्प हो रही है, तब आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पर जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली होगा क्या, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और साथ में आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम दूंगा, उसी टाइम ऑफ इंटरवल में आपको क्वेश्चन का आंसर गेस करना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जलवायु आपातकाल लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। तो ये कौन सा बना है बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा देश जो जलवायु आपातकाल लागू करने वाला। अब दूसरा देश तो आयरलैंड बना है, लेकिन पहला देश कौन सा था, मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, तो पहला देश था ब्रिटेन। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नियुक्त हुए है। तो ये कौन नियुक्त हुए बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अजय मेहता, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अजय मेहता है, इनको महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेत्री को स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया है। तो ये कौन सी अभिनेत्री है बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था तब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल से आपको समझाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है एन हेतवे, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, अगर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में जानना है तो आप हमारे पुराने वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय अभिनेत्री को यूनाइटेड नेशन के 17 नए SDG एडवोकेट्स में चुना गया है। तो ये कौन सी भारतीय अभिनेत्री है बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है दिया मिर्जा, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारतीय वायुसेना को औपचारिक रूप से पहला अपाचे हेलीकॉप्टर सौंप दिया है। तो ये किस देश ने सौंप दिया है बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका ने क्या किया है, बेसिकली जो पहला अपाचे हेलीकॉप्टर है वो अपने इंडिया को सौंप दिया है। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने डेंगू बुखार के खिलाफ पहले वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये किसने दी है बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली ये अमेरिका में ही सबसे पहले इसका जो प्रयोग है वो किया जाएगा, उसके बाद अगर इसका जो टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो ओवरऑल वर्ल्ड में इसको लागू किया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मौतें सड़क दुर्घटना से होती है। तो किसकी रिपोर्ट है, किसने रिपोर्ट जारी की है बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है।
आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है WHO, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बेसिकली क्या किया, जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में ये बताया कि सड़क दुर्घटना से जो मौतें होती है वो सबसे अधिक मौतें होती है। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है महमूद बंदे, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, लेकिन आप स्कोर बताते ही नहीं। मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं पढ़ाता हूँ तो आपको कितना समझता है? तो आप अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए। क्लियर है? अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में पहली बार भूरा भालू पाया गया है? तो ये कौन से देश में पाया गया है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है। पुर्तगाल में पहली बार भूरा भालू पाया गया है। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वीवो IPL 2019 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है बताइए। बताना क्या, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा क्योंकि जो क्रिकेट है उसमें हम सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है MI, यानी मुंबई इंडियंस, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने इलेक्शन गार्ड नामक एक सॉफ्टवेयर किट लॉन्च किया है? तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेता ने दोपहरी नामक एक उपन्यास की रचना की है? तो ये किसने की है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो आपको बहुत ही डिटेल में मैंने समझा के बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है पंकज कपूर, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो पंकज कपूर है ये शाहिद कपूर के पिता है और इन्होंने अभी हाल ही में दोपहरी नामक एक उपन्यास की रचना की है। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन का विमोचन किया है? तो ये किस खिलाड़ी ने किया है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है स्मृति मंधाना, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त किया है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है छाया शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो निर्भया रेप कांड हुआ था उसमें जो जांच कमेटी थी उस जांच कमेटी का छाया शर्मा ने नेतृत्व किया था, इसीलिए इनको ये मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री 2019 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है योसुक आसाजी ने, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो योसुक आसाजी है गोल्फ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी है,
और इन्होंने अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 का खिताब जीता है। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे युविका कार्यक्रम 2019 का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बैंगलोर, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ईवीका कार्यक्रम है ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो अभी क्या चल रहा है, अभी समर वैकेशन चल रहा है, तो जो अपने इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रही है कि हर स्टेट से कम 3 बच्चों को अपने स्पेस सेंटर में उनको रिसर्च करवाएगी, उनको कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड करेगी। तो यही है ईवीका कार्यक्रम 2019, और ये कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया, बैंगलोर में। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने किया है? तो ये किस मिसाइल का किया है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अभ्यास, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया, जो उड़ीसा का जो चांदीपुर है वही से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने WTO में भारत की शिकायत की है? तो ये किस देश ने की है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान ने, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों की मेजबानी की जाएगी? तो ये कहाँ पे की जाएगी बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर में, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे रूस सहित और 8 देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो है उनका यहाँ पे मेजबानी की जाएगी। कहाँ पे? जैसलमेर में। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये कौन बने हैं भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर? ये बने हैं सलमान खान, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया ने कौशल परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये कहाँ पे खोला है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गुजरात है वहाँ पे अभी हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने कौशल परीक्षण केंद्र खोला है। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के एक अध्ययन के द्वारा चंद्रमा कितने फीट सिकुड़ गया है? तो ये कितने फीट तक सिकुड़ गया है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे। बेसिकली क्या हुआ, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है क्या, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने क्या किया है, अब एक रिपोर्ट जारी की और उसमें ये बताया कि जो चंद्रमा है ये टोटल 150 फीट तक सिकुड़ गया है, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने पहली बार स्थायी निवास को मंजूरी दी है? तो ये कौन से देश ने दी है बताइए। मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है और चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब ने, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध किया है? तो ये किस देश ने किया है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको आई थिंक कल या परसों ही करवा रखा है। जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझा के आपको बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान में, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमेरिका की संसद ने किस देश के सैन्य वैज्ञानिकों पर रोक संबंधित विधेयक पेश किया है? तो ये कौन से देश
की संसद ने किया है, अमेरिका की संसद ने कौन से देश के सैन्य वैज्ञानिकों पर एक रोक संबंधित विधेयक पेश किया है, तो बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है चीन, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालय ड्रग कंपनी के ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं, तो ये कौन बने हैं बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऋषभ पंत और विराट कोहली, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वन एंड टू, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो ये कौन सा देश करेगा बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है, तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है चीन, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले बेसिकली दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने अपना नाम वापस लिया। अब उसके बाद मीटिंग आयोजित की गई, फिर उसमें चीन ने भागीदारी की, कि चीन ने कहा कि हम आयोजित करेंगे कब 2023 में। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विजन 2021 दस्तावेज जारी किए, तो ये किसने जारी किए बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है, तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई ने, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार पूरी तरह से रिसाइकल होने वाली प्लास्टिक की खोज की है, तो किस देश ने की है बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो से इतने, यही थी हमारी टेस्ट। मैंने यहाँ पे आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पर जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कम्प्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।